assalamu alaikum my name is harim you are watching my youtube channel of english grammar and speaking welcome to my youtube channel and uh, firstly you have to subscribe to my channel and press the bell icon let's discuss about some new sentences these sentences can be very helpful to you as you can use these sentences while you are cooking while you are working in kitchen so that's why i have come with the new topic और वैसे आप जो डेली रूटीन में विंटर सीजन है तो आपके लिए ये सेंटेंसेस काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आप इनको डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं क्योंकि इसी इन्हीं सेंटेंसेस से आप सीखते चले जाते हैं और फिर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है द सेंटेंस नंबर वन इज तवा गर्म करो प्री हीट द ग्रिडल अब तवे को क्या कहा जाता है ग्रिडल आंच तेज कर दो टर्न अप द हीट आटा छान लो फ्लोर लगातार हिलाते रहो stir, हिलाने को क्या कहते हैं चपड़ी रोटी बना दो गाढ़ा होने तक दूध को उबालो thickened। चाय छान लो स्ट्रेंड टी सालन मजे का है द करी अब सालन के लिए आपने क्या वर्ड यूज करना है करी द करी इज वेरी डिलिशियस रोटी पलटा दो टर्न द फ्लैट ब्रेड अप्स एंड डाउन वो बर्तन धो रही है शी इज़ डूइंग द डिशेस अब हमें बस दफ़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा होता है कि हमने किसी को कहना होता है कि वो बर्तन धो रही है बट जब हम इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में जाते हैं तो कितनी सिंपल सा ये हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है मोस्ट सिंपल है शी इज़ डूइंग द डिशेस वेरी सिंपल सेंटेंस एंड ईजी टू अंडरस्टैंड इसलिए मैं आपको ये सेंटेंस सिखा रही हूँ ताकि आप लोग डेली बेसिस पे इसको यूज करें इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू थोड़ा सा पानी डाल दो पोर लिटिल वाटर अब ये वाटर अक्सर लोग प्रोनाउंस करते हैं तो ये वाटर नहीं होता वॉटर होता है खाते हुए ठीक से बैठो सिट प्रॉपरली वाइल ईटिंग आटा गूंद दो नीट डो खड़े होकर पानी मत पियो डोंट ड्रिंक वाटर वॉल स्टैंडिंग अक्सर हम बच्चों को वॉन्ट कर रहे होते हैं तो हम ये सेंटेंस यूज कर लेते हैं अक्सर औकात छोटी छोटी लोया लोया मीनस बॉल्स बना दो रोल द टो इंट स्मॉल बॉल्स द नेक्स्ट सेंटेंस इज धुली हुई प्लेटों को हुशक कर लो ड्राई ऑल द वॉश्ड डिशेस मैं रोटियां बेल रही हूँ आई एम रोलिंग द चपातीस खाना कब तैयार होगा वन विल द मील बी रेडी It is the interrogative sentence. it is the questioning sentence. the question questioning sentence is also called interrogative sentence. the sentence in which we are asking something to the other person. Main rotia sek rahi hun. I am baking the chapatis. okay the next sentence is ubal ubaldo boil the milk tez mat matkau. डोंट इट सो फास्ट प्लीज प्याज को भून लो प्लीज फ्राई द ऑनियन अब भूनने को आपने क्या वर्ड यूज करना है फ्राई द नेक्स्ट सेंटेंस इज खाना हड़प मत करो डोंट गल्पर मील अच्छा ये जो सेंटेंस है आपका ये सेंटेंस आपका इंटरजेक्शन सेंटेंस है और इसके आगे जो ये साइन है ना तो ये इंटरजेक्शन सेंटेंस की अलामत होती है द नेक्स्ट सेंटेंस इज दूध उबल कर बहराय दिल्क इज बॉइलिंग उबल कर खत्म हो गया दरा नमक करना हेल्पफुल टू यू वेन यू आर वर्किंग इन किचन और वेन यू आर कुकिंग सम वर्क वेन यू आर गिंग सम इंस्ट्रक्शन टू द अदर परसन और जब आप किसी को वार्न कर रहे होते हैं तो जैसे कि अभी ऊपर एक आपको मैंने सेंटेंस सिखाया है जिसमें आप इजीली देख सकते हैं कि खाना हड़प मत करो ठीक है यानी बच्चों को आप नॉर्मली सेंटेंस बोलते हैं तो ये ऐसे सेंटेंस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। रहते हैं आपकी इंग्लिश जो है वो आप इंग्लिश से कनेक्टेड रहते हैं आप इनको डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं और ये फिर आपको बहुत ज्यादा फायदा देते हैं So do not forget to give your views in comment section. Stay connected to my YouTube channel. Okay then. Allah peace. Take care of yourself. Stay blessed.